नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, प्रतिदिन हम अपने लिए कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर बनाते हैं कि आज के दिन हम ये करेंगे। सदियों से एक विचारधारा चली आ रही है कि मनुष्य के भाग्य का निर्माण क्या ईश्वर ने किया है या वो स्वयं ही इसका निर्माण करता है। यदि भाग्य का निर्माण हुआ ही है तो फिर तो व्यक्ति को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम अपने आज के लिए, अपने कल के लिए विचार करते हैं, इसका अर्थ ये है कि निर्माता तो हम स्वयं हैं। हाँ, ये बात और है कि पिछले जन्म और पिछले कर्मों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन को, उसकी सफलता असफलता को प्रभावित अवश्य करता है। लेकिन हम बेहतरीन से बेहतरीन अपने आज के लिए सोचें और करें, कल के लिए सोचें और करें। क्योंकि पहले भी एक बात पर हम विचार कर आए हैं कि यदि ईश्वर को रचता कहा जाता है तो हम उनकी संतान मास्टर रचता हैं, अर्थात अपने जीवन का निर्माण स्वयं करने वाले हैं। जो भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं या अपने कर्म को ही कूटते रहते हैं कि मेरे नसीब में ऐसा ही क्यों है, वो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते। इसलिए मित्रों, अच्छे से अच्छा सोचें और अच्छे से अच्छा करें तो बेहतरीन परिणाम हमें अवश्य प्राप्त होगा। तो आइए से सुंदर भाव के साथ, संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। मंगल की हो कामना लेकिन निस्वार्थ हो भावना। कोई भी कार्य करने के पीछे एक अंतर्निहित कारण होता है जिसे हम भावना कहते हैं। हम किस इरादे से वो कार्य संपन्न करते हैं, वही उसकी सफलता या विफलता का कारण बनता है। सत्ता का भी हर एक निर्णय सर्व मंगलकारी होता है, लेकिन जहां स्वार्थ का प्रवेश होता है वहां यह उद्देश्य परिवर्तित हो जाता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन और संबंध संपर्क भी इसी सूत्र से बंधे हुए हैं। हमारे अपनों का हित हमारे लिए जरूरी है, लेकिन यह भी अनिवार्य है कि हमारी कामना ऐसी हो जहां अंश मात्र भी स्वार्थ मिश्रित ना हो। क्योंकि जब हम निस्वार्थ भावना का विकास करेंगे तब ही समाज तथा हमारे निजी रिश्ते सुखदायी और समृद्ध बनते जाएंगे। सचमुच भावनाओं के आधार पर ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है, अच्छाई की ओर या फिर बुराई की ओर। और आजकल डॉक्टर्स इस पर बहुत गहराई से चिंतन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि हमारी भावनाएं ही हमारे शरीर पर पड़ने वाले जो दुष्प्रभाव हैं या फिर अच्छे प्रभाव हैं उनका भी कारण है। बहुत सारी बीमारियां जो हो रही हैं कहीं ना कहीं हमारी नेगेटिव भावनाओं के कारण हो रही हैं। यदि हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव है, घृणा का भाव है, बदले का भाव है, तो ये नेगेटिव भावनाएं हमारे शरीर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोग को जन्म देती हैं। कितनी गहरी सी बात है ना। अब तक हम चर्चा करते आए थे कि हमारा खान पान, रहन सहन, इन सब पर हमारा स्वास्थ्य निर्धारित है और है भी, लेकिन उससे भी सटल भाव, हमारी भावनाएं भी कहीं ना कहीं इसके कारण बन रहे हैं। आइए देखते हैं आज के आपकी सेहत आपके हाथ में इसी पर सुंदर सी बात, ताकि हम भी इसके प्रति जागरूक हो सके। ओम शांति। अभी गर्मियों का मौसम है और भोजन से ज्यादा हमें ठंडी चीजें खाने की इच्छा होती है, खास करके हमारी कुछ दोस्तों को आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, इसकी ज़रूरत सी महसूस होती है। तो आप इसे जानें कि हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता नहीं है। मन भले आपसे ये कह रहा है, लेकिन आप ये जानें कि आपको शरीर में डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए सही मात्रा में पानी पीने की आवश्यकता है, या फिर ऐसे पेय पदार्थ जो हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तो इसलिए यदि हम अपनी प्यास को बुझाने के लिए कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है। सबसे पहले अपने आप को थर्स्टी नहीं होने दें, क्योंकि थर्स्ट आपको ये बताता है कि आप डिहाइड्रेट हो चुके हैं, आपके अंदर पानी की मात्रा कम होने लगी है। तो यदि हम हर थोड़े थोड़े देर पे
अपने ग्लास में सिंपल सिप ऑफ वाटर लेते रहें तो हम थर्स्टी नहीं होंगे, डिहाइड्रेशन के लेवल तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि वो क्लियर वाटर हो और उसका टेम्परेचर बर्फीला तो बिल्कुल ही ना हो। आप मटके का पानी ले सकते हैं। पानी पीते समय आप इस बात का ख्याल रखें कि पानी एक सांस में नहीं पीना है। कई बारी बहुत प्यास लगी होती है और हम एक सांस में पानी पी लेते हैं, वो भी शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो पानी पीते समय जब हम ग्लास में पानी लेते हैं तो उस समय कोई भी अच्छा सा संकल्प करें, जैसे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और परमात्मा की शांति की किरणें मुझ आत्मा पे पड़ रही हैं और फिर मुझसे होते हुए ये पानी के ग्लास पर जा रही हैं। या तो फिर आप कृतज्ञता भी अर्पण कर सकते हैं प्रकृति के प्रति, जल के प्रति। और जब आप उस शीतल जल को धीरे धीरे सिप्स में लेके पिएंगे तो आपके मन को और आपके शरीर को दोनों को ही शीतलता मिलेगी। तो कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए प्यास बुझाने के लिए, आइसक्रीम खाने से बचें, पानी पिए और अपने पास ORS भी रखें। यदि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं या आपको धूप में निकलने की आवश्यकता है तो ORS ज़रूर रखें। अगर आपको पसीना ज़्यादा आता है तो ORS का घोल बना के पी सकते हैं, नहीं तो सिंपल नींबू पानी भी आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। तो इस तरह से अपने अंदर हेल्दी हैबिट्स को कल्टीवेट करें। ओम शांति। आप सब ने ये बात अनुभव की होगी कि जब हम प्रेम भाव, करुणा भाव और सेवा भाव से लोगों के प्रति कर्म करते हैं तो कैसे हम सबके करीब पहुंच जाते हैं, उनके दिलों पर राज करने लगते हैं। और वहीं यदि हमारे अंदर घृणा का, बदले का या नेगेटिव भाव होते हैं तो हमारे कर्मों में भी वो आते हैं और हम लोगों के जीवन से, उनके दिलों से दूर होते चलते हैं। हमारे विशिष्ट जन इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि वो प्रेम भाव, सेवा भाव से ही अपने जीवन में आगे बढ़ें और सचमुच यही उनके आगे बढ़ने का आधार है, यही लोगों के दिलों पर राज करने का भी उनका आधार है, जिसे वो सच्चे दिल से महसूस करते हैं और साथ ही ये भी महसूस करते हैं कि अध्यात्म ही इन सुंदर भावों को पैदा करता है। आइए देखें कि विशिष्ट की बातें विशेष में कौन से हमारी अतिथि आज अपने सुंदर अनुभव के साथ हमारे साथ हैं। I have done my 7-day course with Brahma Kumaris in this May 2015, 10th of May. I finished the 7-day course and Baba called me here in the month of May and he made me speak from the dais and I asked Baba, what is it that you want me to? Because I do not know. I just know that I have found that peace, that happiness or that myself that I did not know. I am so happy and that happiness is from within. While I was always smiling, but now I'm smiling like from a 1,000-watt ball. And I'm smiling from within. I feel I'm spreading that happiness. And there are people in my office who are asking, what is it that happened to you? What message would you like to give to everyone who is looking for some kind of spiritual solace from inside? Brahma Kumaris is it's a place where you will want to go back, because whenever we are tired, however small, however less comfort is there, we love to go back home. We always say home sweet home. Brahma Kumaris or the Brahma Kumaris don't ask you to go and join the Brahma Kumaris center or anything. It is you who starts to understand, or whatever they convey to you in very small words, they won't speak for length, and it touches you and it resonates with you. And if it resonates with you, don't stop. Please go, because you're only going home. You're only going to a place which will give you the peace, the happiness, and knowing yourself that you've forgotten, because you're always searching for yourself outside. You know, when people say you have to be this, so you always try to be someone that the people, that the world wanted you to be.
and some way you're not happy with it because that's not what you wanted yourself to be. Just listen to your heart, just listen to the resonance that you find and just walk with them. Just walk with them. हम दूसरों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, खुद पर कम ध्यान देते हैं. इसीलिए दूसरों में क्या क्या चीज़ें हैं वो तो देख लेते हैं, लेकिन खुद में नहीं देख पाते. अध्यात्म हमें यही सिखाता है कि खुद को देखो. और जब हम खुद को देखते हैं तो हमारी विशेषताएं बढ़ती चली जाती हैं और जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं वो दूर भी होती चली जाती हैं. कैसे खुद को देखें और कैसे अध्यात्म के माध्यम से खुद की कलाओं या विशेषताओं को विकसित करें और कमज़ोरियों को दूर करें, यही कला ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं, जिसे हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में. एमपीएफ यूथ ने महाराष्ट्र के पुणे में आशीर्वाद समारोह की मेज़बानी की, जो संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था. यह कार्यक्रम एमपीएफ यूथ के 3 क्षेत्रों के लिए नए निदेशक मंडल को सम्मानित करने और शामिल करने के लिए आयोजित किया गया था. समारोह में मुख्य अतिथि बी के सरिता बहन की गरिमाई उपस्थिति रही और दी आर्ट ऑफ वेल बीइंग पर एक व्यावहारिक सत्र दिया, जहां उन्होंने संतुलन बनाए रखने और समग्र स्वास्थ्य प्राप्त करने पर अपना ज्ञान साझा किया. उनकी बातचीत प्रेरणादायक और व्यावहारिक थी, जो नए बोर्ड सदस्यों और उपस्थित लोगों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए मूल्यवान रणनीतियां प्रदान करती थीं. कार्यक्रम का समापन एक नेटवर्किंग सत्र के साथ हुआ, जिससे उपस्थित लोगों को जुड़ने और भविष्य की पहलुओं पर चर्चा करने का मौका मिला. मित्रों, कहते हैं कि रावण ब्राह्मण होकर भी असुर हो गया और शबरी दलित होते हुए भी देवी बन गई. बात ये नहीं है कि आप कहाँ जन्म लेते हैं, आपकी जाति क्या है, लेकिन आपकी नियति आपके कर्मों से ही निर्धारित होती है. कर्म हमें निरंतर करने हैं और हमारे यही कर्म हमारी पहचान बन जाते हैं कि किस रूप में हम जाने जाएंगे. और ये जो कर्म है मित्रों, इन कर्मों के पीछे भी आज जो हमारी चर्चा हुई है, हमारी भावनाएं कैसी हैं, आंतरिक भावनाएं, वो हमारे कर्मों को प्रेरित करती हैं कि हम कैसे कर्म करें. इसलिए अपनी भावनाओं को हम बहुत ही निर्मल करें, बहुत ही शुद्ध करें. सबके लिए यदि मंगल भाव है, जैसे ईश्वर सबके मंगल का सोचते हैं, सबके कल्याण का सोचते हैं और निस्वार्थ होकर के सभी को देते हैं. सूर्य भी निस्वार्थ भाव से सबको देता है, सरिता नदी भी निस्वार्थ भाव से सबको देती है. क्या इस निस्वार्थ भाव को, इस कल्याण के भाव को, इस मंगल के भाव को हम अपने जीवन में नहीं उतार सकते? क्यों ना इस भाव को धारण करके देखें, फिर देखें कर्म कैसे सबके लिए श्रेष्ठ और उत्तम होते चलते हैं और कैसे हम सबके दिलों पर राज करते चलते हैं. ज़रूर गहराई से इस पर विचार कीजिएगा. कल पुनः इसी वक्त आप सभी से पुनः मुलाकात होगी. नमस्कार. ओम शांति.